क्या देख के ट्रेड ओपन करो वो तो आपको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, जिगजैग पैराबोलिक और कैंडल्स, तो इन तीनों के कंफर्मेशन की मदद से हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन करा है। राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको सिर्फ कंफर्मेशन बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं $1000 का 2 मिनट के लिए ट्रेड ओपन करूँगा। क्यों ट्रेड ओपन करा, क्या देख के ट्रेड ओपन करा, वो आपको ऑलरेडी पता है। जिन भी लोगों को ये ट्रिप के बारे में पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर मैंशन कर दीजिए, बाकी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। ओके, मैं आपको फर्स्ट कन्फर्मेशन देना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे स्टॉकस्टिक ऑसिलेटर का ये वाली कैंडल देखिए आप लोग। ओके एक सेकेंड, ओके सो आप लोग नज़र रखिए गाइस ब्लू कैंडल को। ओके, जब भी ब्लू कैंडल रेड कैंडल से दूर बने और का जो परसेंटेज है वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सेम डायरेक्शन पे ट्रेड ओपन कर देना है। अगर वो अप के लिए बना रही है तो फिर आपको अप के लिए ट्रेड ओपन करना है, और डाउन का बना रही है तो फिर आपको डाउन के लिए ट्रेड ओपन करना है। ओके, उसके बाद एमएससीडी पे नज़र डालिए। एमएससीडी ने ग्रीन को क्रॉस किया, जिस भी डायरेक्शन पे क्रॉस करेगी उस डायरेक्शन पे आपको ट्रेड ओपन कर देना है। यहाँ पे फेक कैंडल बन रही है बट आप उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। मार्केट का काम है कि वो आपको फेक रिजेक्शन देगी और आपको फंसाएगी, ठीक है। उसको छोड़कर मेरा यहाँ पे फॉरेक्स पे एक ट्रेड लगा हुआ है जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस और टेक अ प्रॉफिट लगाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लगा सके तो प्लीज़ आप लोग वो वाले वीडियो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर फेक रिजेक्शन होगा तो हम किसी और मार्केट पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ नोटिस कीजिएगा इस यहाँ पे भी जो कंफर्मेशन है वो सेम था, ठीक है। बात ये कि मार्केट वहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे अप ट्रेंड था, ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने को दिया फेक कैंडल। सो गाइस, जो ट्रेड हमने ओपन करी थी वो हमारा प्रॉफिट में जा चुका है, किसी रीज़न से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया नेटवर्क इशू के कारण से, बट मैंने जो आपको कंफर्मेशन दिया था वो सेम कंफर्मेशन यहाँ पे काम आया। ओके, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड अपन ओपन करेंगे, और यहाँ पे अपने को मिल रहा है अप के लिए कन्फर्मेशन। मैं यहाँ पे 3 ट्रेड ओपन किया हूँ $3000 का, सॉरी बट मैंने यहाँ पे नज़र नहीं रखा हुआ था। ओके, ये मत समझना कि मैंने जानबूझ के ट्रेड ओपन करा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अनजाने में ट्रेड ओपन करा है। ओके, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि $1000 लगा है, ठीक है। इसको कम करने के लिए मैं कुछ रिस्क फ्री ट्रेडें ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि रिस्क को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, $200 की 2 ट्रेड लगी हुई है हमारी। ओके, अपन 15 सेकेंड की भी ट्रेड ले लेते हैं अप ट्रेड पे, एंड 120 की भी ले लेंगे क्योंकि लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे। ओके, सो गाइस, जो हमने अभी आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो पे, इससे पहले वाली वीडियो पे जो फॉरेक्स के बारे में बताया था कि स्टॉप लॉस और टेक अ प्रॉफिट, ठीक है, तो वो हमारा अभी पॉजिटिव में चल रहा है। इसका अपडेट मैंने पब्लिक ग्रुप पे दे दिया है, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ 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 पब्लिक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पब्लिक सेशन इंजॉय कर सकते हो, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे $3,450 की ट्रेड लगी है जो कि अभी नेगेटिव में जा रही है, बट सो यहाँ पे आप कंफर्मेशन पे नोटिस कर सकते हो गाइस, ठीक है। अभी तो ये वाली ट्रेड हमारी चल रही है, लगभग अभी भी हमारे पास 30 सेकंड लेफ्ट है। 30 सेकंड पे आप इस पे नोटिस कीजिए, बिकॉज इस स्टॉकस्टिक ऑसिलेटर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको छोड़े एमएससीडी। यहाँ से एक और कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ पे एमएससीडी की बता दूँ, जिससे जो आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एमएससीडी का जो कैंडल्स है वो देखिए, वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, जिगजैग भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी कैंडल तो बना नहीं है बट जिगजैग और कैंडल एक दूसरे को टच करेगी ऐसा, ठीक है। आप सिर्फ नोटिस रखिए, यहाँ पे गाइस सिर्फ 8 सेकंड लेफ्ट है, मेरे को यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, बट सो गाइस नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये वाली जो ट्रेड है वो भी अटकी पड़ी है। सो गाइस नेट की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट यहाँ पे जो है वो मेरी 3 ट्रेड लॉस पे गई है, ठीक है, तो लॉस पे गई है। एंड देख लेते हैं कि क्यों लॉस पे गई, कहाँ पे हमारे से गलती हुई। ओके, तो ये वाली जो हमारी ट्रेड थी वो फेक कैंडल्स की वजह से ही लॉस हुई है, बिकॉज मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड ओपन करा था 2 मिनट की, अगर 3 मिनट की करता तो फिर ये हमारी प्रॉफिट पे जाती। ओके, बाय द वे किसी और करेंसी पेयर पे देख लेते हैं। एंड एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो आप लोग किसी का भी लाइफ स्टाइल देख के या फिर किसी को मतलब ऐसा देख रहे हो जो बंदा शो ऑफ कर रहा है, ओके, मैंने कई लोगों का वीडियो देखा है, कई लोगों ने मेरे पास शेयर किया था कि सर आप इसकी वीडियो देखो, वो क्या करते थे
रख लिए हैं सामने पे एप्पल के प्रोडक्ट्स, एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स महंगे वाले, और आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, उनके वीडियोस देख रहे हो। बंदा नॉलेज कुछ नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है, आप जस्ट उसकी वीडियो देख रहे हो। ओके, क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपको खुद को नहीं पता, आप जस्ट उसकी वीडियो देख रहे हो। ओके, तो फिर क्या मतलब गाइस, जो बंदा आपको नॉलेज नहीं दे सकता, आप उसकी लाइफस्टाइल देख रहे हो। हाँ, क्या क्या मतलब आपको उसकी लाइफस्टाइल से, मुझे ये बताओ, खुद सोचो गाइस। जो बंदा यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आया है, वो क्या आपको सिखाएगा, जिसको खुद नहीं पता कि कौन सी कैंडल्स को क्या बोलते हैं, जिसको खुद नहीं पता कि कौन सी इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। हर कोई अपना काम करने के लिए बैठा है, वो भी अपना काम कर रहा है। बट कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आप अपना वैसा कुछ नहीं दिखाते, तो मैं बता दूं कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, ठीक है, बट क्या मतलब। ओके, एप्पल के लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ही मैंने परचेस कर लिया था, बट मैंने किसी को बोला नहीं, जस्ट मैंने पब्लिक ग्रुप पे अपडेट दे दिया था कि मैं आज जा रहा हूँ iPhone 14 खरीदने। 13 का भी वही सीन था, मैंने खरीद लिया था। ठीक है, ये सब ना गाइस अच्छा नहीं लगता, शो ऑफ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ से मैंने ट्रेड ओपन करा है, $6,000 का ट्रेड अभी लगा हुआ है गाइस, जिसमें से $5,000 का ट्रेड हमारा इसी में लगा है, बिकॉज इससे पहले मेरा कुछ ट्रेड लॉस हो गया था। ओके, क्या देख के ट्रेड ओपन करा, वो तो आपको ऑलरेडी बताया, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, जिगजैग, पैराबोलिक और कैंडल्स, तो इन तीनों के कंफर्मेशन की मदद से हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन करा है। ओके, अगर मैं बोल दूँ गाइस, आप किसी से भी सीखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के वीडियोस देखो, क्योंकि सभी अपने अपने लैंग्वेज में या फिर अपने अपने समझाने के स्टाइल पे समझाते हैं आपको। ठीक है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग है, बट यार गाइस आप उसके पास जाओ सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि आप लाइफ स्टाइल देखने के लिए कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा काम करूँगा। सो ये वाली जो ट्रेड्स है गाइस, वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, बट वेट कीजिए, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके, 5 सेकंड की ट्रेडिंग देखेंगे कुछ, जहाँ से अपन कंफर्म हो, और 5 सेकंड की ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट निकाल लें, बट अभी तो ये अपने को प्रॉफिट में दिख रहा है, तो फिर वेट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस जो हमने ट्रेड ओपन करा था $5,000 का, वो हमारा प्रॉफिट में जा चुका है, तो अब यहाँ पे रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो गया तो फिर ट्रेड करते जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो फिर अगेन अपने नॉर्मल बैलेंस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे गाइस 3 ट्रेड लॉस हुआ था $3,000 का, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, स्ट्रेटेजी यूज़ की, और यहाँ से मैंने ट्रेड ओपन करा $5,000 का, तो $5,000 पे अपने को समथिंग गाइज 4200 आई थिंक, हाँ $4200 के आसपास अपने को रिटर्न हो गया, मतलब ओवरऑल इसके अपने को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बाकी कंफर्मेशन तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, क्या देख के ट्रेड ओपन करा, क्यों ट्रेड ओपन करा। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हो तो ये वाली कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर मैंसन करना कि मैंने क्या देख के ट्रेड ओपन करा, बिकॉज मैंने आपको बताया नहीं, स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे दिख रही है, किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए जैसे मार्केट प्लेस से, या फिर कोई स्ट्रैटेजी का रिव्यू चाहिए, तो कॉमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कॉमेंट कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे हम डेली का रील्स अपलोड कर रहे हैं, 1 मिनट का स्ट्रेटजी आप लोग को, हाँ हैंड टू हैंड आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। ओके, तो वहाँ पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास पहुँच जाए। ओके, पब्लिक ग्रुप पे डेली का सेशन चलता है, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी जाके सर्च ना करें धर्म ट्रेडर, बिकॉज फेक आईडीज बहुत सारी बन चुकी है, सिंपली सर लिंक पे क्लिक करें जाके ज्वाइन कर ले। ओके, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिली है, बट मैं ट्रेड ओपन नहीं करूँगा, बिकॉज आज का जो मेरा प्रॉफिट का टारगेट है वो हो चुका है। ठीक है, इसको छोड़कर फॉरेक्स पे भी ट्रेड लगी है, फॉरेक्स कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग फॉरेक्स के लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, आई होप आप लोग को मज़ा आया, अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करना, बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।